देखिए, आज आप लोगों को इधर जो बुलाया गया है, हम लोग 24 दिसंबर से प्रदेश व्यापी क्रमिक अनशन पे बैठने जा रही है भारतीय समाज पार्टी। पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण में बंटवारे को लेकर के जो सामाजिक न्याय कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को मुख्यमंत्री जी लागू नहीं करना चाहते हैं। उनका ध्यान अर्धकुंभ में लगा हुआ है। जब माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि 6 महीना पहले हम विभाजन कर देंगे, लेकिन मार्च के पहले सप्ताह तक का सूचना जारी होने की प्रबल संभावना है, तो समय नहीं है। एक तो ये चीज है। दूसरा, जो जनता के बीच में हम लोगों ने वादा किया है कि हम जिस तरह शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को निःशुल्क ISPCS कोचिंग सेंटर उत्तर प्रदेश में 16 जगह खुला है, उसी तरह पिछड़ी जाति और सामान्य जाति को भी 18 मंडल में खुलवाने के लिए जो जनता के बीच में कह करके 2017 में वोट लिए हैं, अब आने वाले दिनों में 2019 के चुनाव में हम उनके बीच में जाके किस आधार पर वोट मांगेंगे। हमने उनसे वादा किया था कि सरकार में जाने के बाद हम लोग प्राथमिक विद्यालय में जो 1,77,00,000 गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ शिक्षा में हम लोग सुधार लाएंगे, लेकिन उसमें भी हम सफलता नहीं पाए। इस बात को लेके हम लोग चिंतित हैं और हम माननीय मुख्यमंत्री जी को आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि बड़ी चर्चा लोग करते हैं कि ओम प्रकाश राजभर सीट बढ़ाने के लिए लोकसभा